स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 एंड प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। मूनलाइट पासेस थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर विच इज 20.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि मून लाइट है जो कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जाहिर सी बात है दो आपके पास लेंस रखे हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट जो कि मून है वो कहाँ पे रखा हुआ है? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने कह दिया यहाँ से लेके यहाँ तक P1, और इमेज, फॉर एग्जांपल अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? Q1। दूसरे वाले लेंस के लिए ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट सर्व होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? P2। और ये अपना फाइनल इमेज जहां पे भी बनाएगा तो उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया? Q2, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। मूनलाइट है जो कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, यहां से लेके यहां तक ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है तो इसलिए आपने यहां पे इसको कहा आपने P1। इमेज आपका यहां पे फॉर्म हो रहा है तो इसलिए आपने इसको Q1 कहा। ये इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट सर्व हो रहा है तो इसको हमने कह दिया P2। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं P। और फिर ये जहां भी अपना इमेज बनाएगा उसको हमने कह दिया Q2, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट आपका एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा दूर है। पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी थी? 19 सेंटीमीटर थी तो आपने F1 लिख दिया 19 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस कितना था जिसको हमने L कहा है? वो कितना है? 20.5 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है कि फाइनल इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब आपको Q2 निकालना है। इमेज कहाँ पे बन रहा है तो Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपने यहाँ पे क्या किया? आपने फॉर्मूला यूज किया लेंस इक्वेशन 1/F1 इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/Q1। इसके जरिए आप ताकि Q1 निकाल लें तो फोकल F1 आपके पास क्या था? 19 सेंटीमीटर था। F1 की जगह पे आपने 19 सेंटीमीटर रखा। P1 की वैल्यू क्या थी आपके पास? डेटा के अंदर आपने देखी P1 की वैल्यू थी इन्फिनिटी तो आपने P1 की जगह पे इन्फिनिटी रखा प्लस 1/Q1 एज इट इज रहा। 1/इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के तो 1/Q1 की वैल्यू क्या हो गई? 1/Q1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/Q1। 1/Q1 की वैल्यू आपके पास आई 1/19 सेंटीमीटर। अब आपको 1/Q1 तो नहीं निकालना, आपको तो Q1 निकालना है तो आप इसको इन्वर्स करेंगे। Q1 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 19 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। और कोई भी चीज़ जब 1 से डिवाइड होती है तो वही चीज़ वापस आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि Q1 की वैल्यू आपके पास 19 सेंटीमीटर आ गई। Q1 आपको 19 सेंटीमीटर पता चल गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया? दोनों लेंसेज के दरमियान का डिस्टेंस किसके बराबर था? L किसके बराबर था? L बराबर था आपके पास, L यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था जो कि किसके बराबर था? Q1 प्लस P2 के। तो इसलिए आपने L का L फॉर्मूले में क्या यूज किया? L इज इक्वल टू Q1 प्लस P2। डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना था? 20.5 सेंटीमीटर। और Q1 कितना था आपके पास? अभी अभी निकाला था आपने Q1, 19 सेंटीमीटर। P2 आप इसके जरिए कैलकुलेट कर लेंगे, 19 यहां पे प्लस का था, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 20.5 माइनस 19 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब आपको P2 भी पता चल चुका है तो अब आप P2 की मदद से आप क्या चीज फाइंड करेंगे? अब आप Q2 फाइंड करेंगे। आपने फॉर्मूला यूज किया 1/F2 इज इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2। F2 की वैल्यू आपको पता थी कितनी थी भाई? F2 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो आपने F2 की जगह पे क्या रखा? 2 सेंटीमीटर। P2 आपके पास कितना था? 1.5 सेंटीमीटर। P2 की जगह पे आपने 1.5 सेंटीमीटर रखा। Q2 एज इट इज रहा। 1/Q2 भी यहां पे एज इट इज रहा। 1/1.5 प्लस का है, उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा 1/1.5। 1/2 कितना होता है? 0.5। 1/1.5 कितना होता है? 0.66। दोनों का आपने माइनस कराया। माइनस करवाने के बाद आप 1 से डिवाइड कराएंगे जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि आपको 1/Q2 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ Q2 की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आप इन्वर्स करा रहे हैं। मतलब आप 1 से डिवाइड करवाने अपने आंसर को, दोनों को माइनस करवाने के बाद जो भी आंसर आए आप उसको 1 से डिवाइड करवा दें, आपका आंसर ये आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू माइनस 6 सेंटीमीटर। अब आपको Q2 की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए? वेयर इज द इमेज ऑफ द मून प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। इमेज आपके पास, फाइनल इमेज कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? तो फाइनल इमेज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए भाई? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो कि L के बराबर था ये आप प्लस कर दें और फाइनल इमेज जाहिर है यहां पे प्रोड्यूस, यहां पे फॉर्म हो रहा है तो ये डिस्टेंस भी तो है Q2। तो L
यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस क्यू टू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, एल प्लस क्यू टू, एल प्लस क्यू टू आपके पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जहां पे आपका फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो डी इज इक्वल टू एल प्लस क्यू टू, एल की वैल्यू आपके पास 20.5 थी और क्यू टू की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी, क्यू टू की वैल्यू कितनी आई थी -6 सेंटीमीटर, इमेज बिकॉज इमेज इज वर्चुअल इसलिए आपके पास माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है, क्यू टू की आपने वैल्यू पुट करी, दोनों को माइनस करवाया, आपका आंसर आ गया 14.5 सेंटीमीटर। दूसरा न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है ये। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 4 डायोप्टर्स इज कंबाइंड विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ -2 डायोप्टर्स, फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। दो लेंस की आपको पावर गिवन है, एक की है 4, आपने लिख दिया पी वन इज इक्वल टू 4 डायोप्टर्स, और दूसरे की है आपके पास -2, तो आपने लिख दिया पी टू इज इक्वल टू -2 डायोप्टर्स। फाइंड द पावर, अब आपको इनकी कंबाइंड पावर फाइंड करनी है और इसके साथ साथ आपको क्या चीज फाइंड करनी है, फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है। तो आपने लिखा P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब कंबाइंड पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है तो F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास कंबाइंड पावर आ जाएगी 4 प्लस -2, 4 में आप -2 को प्लस करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 डायोप्टर्स, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन पावर, पावर कितनी आई थी आपके पास 2 डायोप्टर्स आई थी, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।